हेलो फ्रेंड्स, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की ओर से नया इंपोर्टेंट नोटिस आ गया है। और यह जो नोटिस है वह ईस्टर्न रीजन यानी कि कोलकाता से यह नोटिस आया हुआ है। तो इसके बारे में बताता हूँ कि क्या है। देखिए, आप लोग देख सकते हैं 9/5/2022 का, यानी कि 9 मई 2022 का यह शॉर्ट नोटिस में दिया गया है। तो देखिए ये क्या है, तो यहाँ पर है, ड्यू टू सम अनएवॉइडेबल सर्कमस्टांस द वेन्यू फॉर एनुअल टाइपराइटिंग टेस्ट टू बी हेल्ड ऑन 10/5/2022 फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स इन ईस्टर्न रीजन फॉर द ईयर 2021 हैज़ बीन चेंज्ड। तो ये जो है कि कुछ कारण से यहाँ पे जो वेन्यू होने वाला था एनुअल टाइपराइटिंग टेस्ट का, जो कि 10 मई को एग्जाम होना था डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए ईस्टर्न रीजन कोलकाता का 2021 वाला, तो वो चेंज हो चुका है। यहाँ पे जो है वेन्यू जो है वो चेंज हो चुका है। आप लोगों को देखना है, ध्यान देना है, जो भी था पहले वहाँ से अब चेंज हो गया है। द न्यू वेन्यू फॉर द एग्जामिनेशन इज, तो यहाँ पे देखिए न्यू वेन्यू का एड्रेस भी दिया हुआ है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है, जितने भी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं वे लोग, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ईस्टर्न रीजन 8th फ्लोर 1st MSO बिल्डिंग निजाम पैलेस 2344 AJC बोस रोड कोलकाता 70020। ये है नया आपका वेन्यू सेंटर, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ईस्टर्न रीजन 8th फ्लोर 1st MSO बिल्डिंग निजाम पैलेस 2344/4 AJC बोस रोड कोलकाता। पिन दिया हुआ आप लोगों का, तो यहीं पर आप लोगों का अब नया वेन्यू दिया गया। यहीं पे आप लोगों का 10/5 यानी कि 10 मई को एग्जाम होगा। फॉर फर्दर एनी फर्दर क्वेरी कैंडिडेट्स में प्लीज कॉन्टैक्ट द फॉलोइंग हेल्पलाइन नंबर। देखिए, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होती है या फिर कुछ आप लोगों को जानकारी चाहिए होगा, तो आप लोगों को जो यहाँ पे दिया गया हेल्पलाइन नंबर, तो वही आप लोगों को देखना है। यहाँ पे 3 नंबर दिया गया है, ये यहाँ पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स हैव बीन इंटीमेटेड थ्रू ईमेल एंड टेलीफोन। तो यहाँ पे जो है ये ईमेल और टेलीफोन के द्वारा से भी आप लोगों को ये कुछ जानकारी दे दिया जाएगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे है बाई ऑर्डर डेप्यूटी कमिश्नर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ईस्टर्न रीजन, तो ये है। तो यहाँ पे साफ है कि आपका जो इस नोटिस में आया है वो आपका एग्जाम वेन्यू चेंज हो चुका है, जो कि 10 मई को एग्जाम होना है। नया वेन्यू दिया हुआ आप लोगों का एड्रेस है, तो यहीं पर आप लोगों को पहुँचना है सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए।